खान पान के शहर इंदौर में अपन दुकान और सराफा के अलावा भी खान पान के ऐसे कई ठिकाने हैं जो अपने मशहूर स्वाद की वजह से केवल इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हैं। हम आपको एक ऐसी ही ठिकाने के बारे में बता रहे हैं जिस दुकान का नाम है मिस्टर भेल भंडारी। जिस दुकान की भेल के दीवाने केवल इंदौर वासी और देशवासी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं, जहाँ 3500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की भेल मिलती है। भेल भंडारी के नाम से प्रसिद्ध यह दुकान और यहाँ मिलने वाली भेल सिर्फ इंदौरियों तक नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया तक भी पहुँच चुकी है। दुकान के संचालक चेतन अपने सबसे तीखी और झन्नाटेदार भेल को अक्षय कुमार से लेकर कई टीवी कलाकारों की आंखों से आंसू ला चुके हैं। ये भेल भंडारी की काफी फेमस दुकान है, कितनी प्रकार की भेल हम बनाते हैं यहाँ पे? यहाँ हम 50 तरह की भेल बनाते हैं जी। और हर भेल का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग तरह से बनती है। यहाँ पर हर तरह का जो मार्केट में नहीं मिलता वो सब हटके यहाँ मिलेगा आपको जी। यहाँ पे 110 वोल्ट, 440 वोल्ट और 220 वोल्ट ये भी काफी वैरायटी है और एक गोल्डन व्हेल भी, उसके बारे में क्या? वो ज्यादा तीखा खाने के शौकीन होते हैं उनके लिए हमने ऐसी चीज निकाली कि जिससे वो कि हमें वो तीखा खाना है, तो इसलिए हमने इस तरह की व्हेल बनाई है। आप जो है 440 वोल्ट खाने वालों को मेडल और सर्टिफिकेट देते हैं और ये जो फॉर्म साइन कराते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है? जैसे कि आपने भेल खाई तो अपने आप में एक खुशी होती है, एक चैलेंज होता है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो हम उसको सर्टिफिकेट दे के बताना चाहते हैं। वो कहीं पर भी जाए तो हमने 140 वोल्ट भेल खाई है और ये इतनी तीखी होती है, हर कोई के लिए इजी नहीं होता है जी। तो उनके लिए हम ये प्रमाण पत्र और शीट को देते हैं जी। ये वेल जो है ये वहाँ भी खिला चुके हैं इंडियाज गॉट टैलेंट में, कौन कौन से स्टार को ये वेल खिला चुके हैं? परिधि चोपड़ा, करण जौहर और मिथुन चक्रवर्ती। अच्छा, तो ये स्टार भी जो है आपकी वेल खा चुके हैं? जी जी। परिणीति चोपड़ा को काफी पसंद भी आई थी क्या? जी बिल्कुल, उनको बहुत पसंद है, उन्होंने कहा ऐसी वेल अगर मुझे रोज मिले तो मैं रोज खाऊं। अच्छा ठीक है, एक बार सुनना बताइए। मेरा मानसी भंडारी जी, चेतन भंडारी।